सत्ता के सेमीफाइनल से पहले ही इंडिया गठबंधन को उस वक्त गहरा धक्का लगा जब चंडीगढ़ मेयर चुनाव का रिजल्ट घोषित हुआ। इस पद पर कमल खिला तो कुछ दिन पहले था, लेकिन सियासत अब भी जारी है और वो सियासत चंडीगढ़ में नहीं बल्कि यूपी में हो रही है। अपने गढ़ से अखिलेश यादव ने हुंकार भरते हुए इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर करारा हमला बोला। हाल ही में जो चंडीगढ़ का चुनाव हमने और आपने देखा, और आज के समय पर कोई चीज छिपती नहीं है, वो बकायदा वीडियो वायरल है, पीछे रख लेना, जिसमें आरोप ये लगा है कि वोट उनके सामने जो डाले गए थे उन वोटों को खराब करने का काम भी अधिकारियों ने किया। हमने आपने उत्तर प्रदेश का चुनाव देखा था, किस तरीके से बेईमानी भारतीय जनता पार्टी ने की, और अगर बेईमानी इस स्तर पर होगी तो लोकतंत्र कहाँ सुरक्षित है। जो आज मेयर का चुनाव जीतने के लिए ये तरीका अपना रहे हैं, इससे पहले उत्तर प्रदेश में जितने भी चुनाव हुए उन सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर बेईमानी की। अपने बयान में सपा मुखिया जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं वो उन्होंने 30 जनवरी को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली का सबूत दिया था। उन्होंने बताया था कि भाजपाई पीठासीन अधिकारी मतपत्रों को अवैध बताने के लिए पेन चलाकर उन्हें अवैध बना रहे हैं। मैनपुरी पहुंचकर भी उन्होंने इसी वीडियो के बारे में बताते हुए कहा कि चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में बीजेपी ने लोकतंत्र पर हमला किया है, बेईमानी से चुनाव जीता है। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी के साथ साथ ईडी को भी लपेट लिया, कहा कि ईडी को किसी के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए। ईडी विभाग जिसने बनाया, जिस सरकार में बना, उस मंत्री को भी फेस करना पड़ा और जेल जाना पड़ा। एक समय कांग्रेस का था, जिस समय ये विभाग बनाया गया ईडी को ज्यादा पावर दी गई, और जिस मंत्री ने बनाया था उस मंत्री को भी वही फेस करना पड़ा। ईडी जैसे विभाग को अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए किसी भी सीनियर पॉलिटिकल लीडर के साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि 10 लाख करोड़ जो तमाम फरेबी लोग हैं उनके माफ कर दिए गए, लोग पैसा लेकर के विदेश भाग गए, उनके खिलाफ क्या किया है? और अभी तक जो डेटा कहता है, जो आंकड़े कहते हैं, सबसे ज्यादा ईडी विभाग का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। फिर जब सपा प्रमुख से सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन में दरार पर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, गठबंधन ही बीजेपी को 2024 में हराएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी का मानना बिल्कुल साफ है, आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से काम किया है, समीकरण, प्रत्याशी अच्छा हो, जो सीट भारतीय जनता पार्टी को हरा देगा, जो प्रत्याशी, उसी दल उसी प्रत्याशी को टिकट मिल जाएगी। समाजवादी पार्टी का कहीं किसी प्रत्याशी को लेकर के, किसी सीट को लेकर के नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी गठबंधन बने और गठबंधन ही भारतीय जनता पार्टी को हराए। मैनपुरी में मीडिया से रूबरू होते हुए पूर्व सीएम ने जनता को आगाह करते हुए कहा कि ये चुनाव लोकतंत्र, संविधान और आने वाली पीढ़ी को बचाने का चुनाव है। इसलिए हमारा आपके माध्यम से जनता से अपील है कि लोकतंत्र बचाने का चुनाव 2024 का है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, संविधान बचाने का चुनाव है। अपना और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने का चुनाव है। और आखिर में अखिलेश से शफीकुर रहमान बर को 94 साल की उम्र में टिकट देने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मैंने उनसे कहा कि हमारे लिए ओल्ड इज गोल्ड, और जो हमारे पुराने लोग हैं वो भरोसे के लोग हैं, और जब तक वो हैं तब तक वो चुनाव लड़ेंगे। दरअसल बुधवार को अखिलेश यादव सपा का किला कहे जाने वाले मैनपुरी पहुंचे थे, यहां वो निजी कार्यक्रम में शरीक होने आए थे। इसी दौरान मीडिया के सवालों का वो जवाब देते नजर आए, उन्होंने हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया, बीजेपी की जमकर आलोचना भी की और धांधली जैसे आरोपों से उसे घेरा। लेकिन जब बात उनके और चाचा शिवपाल की आई कि कहां से चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने बात को ही घुमा दिया। भारत की बात
रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।